संघर्ष समिति जे छै जे कसम खेने छै बर्दीवास के ओय चौक सँ 10 महीना सँ काज कर रहल छी, राति दिन काज कर रहल छी, मुदा हाथ लागल जीरो। बर्दीवास दुगते सँ, और वो दुगते सँ लगातार वो आंदोलन जारी रहे तहिया तक कि नेपाल सरकार द्वारा आयोग गठन के मिति समाप्त हुई। कोनो न कोनो रूप से मीटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति नेपाल देश में अपन सक्रियता दिखाई थी, मुदा जहिया आयोग के मिति समाप्त हो गई तहिया से अई संघर्ष समिति के लागल लगले कि आब हमरा सब के की काज करवाक चाहिए, की है समस्या के समाधान केना के होती, और यह चीज जे छे से अखन सबसे प्रमुख विषय बनल छे कि आई जते जे पीड़ित लोकन सब के अपने देखै छिए, हम तो बहुत साथी लोकन के देखै छिए श्याम विश्वकर्मा उठुता कि लगातार चैत दुगत्य से श्याम जी आई आंदोलन में लागल छथि, मुदा हिनकर समस्या अखन धरि समाधान नहीं भेलै है, जबकि आयोग के मिति समाप्त है। अब बताओ सरकार आयोग किया गठन करे रहे, जखन प्रधानमंत्री निवास में गेलिए, प्रधानमंत्री के आगारी जखन श्याम जी कनल खिन, तो प्रधानमंत्री कहल के श्याम जी तपाई नरुनुस मौत यो समस्यालाई कुनै पनि हालतमा समाधान गर्छु, तपाईको समस्यालाई समाधान गर्छु के का प्रधानमंत्री आश्वासन देने छलखिन, और वही जैसा श्याम जी हसी खुशी जे है से सिरहा आला कि आब हमरा जे है से समस्या समाधान भए जेतै। आब गनियो अहाँ महीना कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसिन कार्तिक अगहन पूस 10 महीना भ गेलै, 10 महीना भ गेलै श्याम जी के समस्या समाधान नहीं भेलै। प्रधानमंत्री जी वादा केने छलखिन वो वादा आइए हम देखै छियै पूरा नहीं भेलै। अब यहन यहन हम कते के कहू, अगर कहब त ये सब बहुते साथी लोग इनसे उठ जेतै, कहू त श्याम जी के संग संगे के गेल रहिए काठमांडू आ किनकर किनकर समस्या समाधान नहीं भेलै, सब गोरा एकबेर उठियौ आ कैमरा अहाँ सब और घुमा दियौ दिया, जे सब काठमांडू गेल रही है या समस्या समाधान नहीं भेलगा से सब उठू, वह व्यक्ति उठबे जे काठमांडू गेल रही है और समस्या अखन धरि समाधान नहीं भेलगा। देखै छिए कि काठमांडू गेलहा लोक सब जिनका प्रधानमंत्री कहने रहन कि हम अहाँ सबके समस्या समाधान करब, वो व्यक्ति सबके अखन धरि इस समस्या समाधान नहीं भेलै है और आयोग के मिति समाप्त भ गेलै। तै परिस्थिति में बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तै परिस्थिति में अब हमरा सबके की करबाक चाहिए, हम सब की हाथ में हाथ राख के बैठल रही घर में, जब आंदोलन के अते तक लाइव गेलिए, जब आंदोलन सरकार के विधान बनाबे के लेल बाध्य क देलके विधेयक बन गेले, और नेपाल के इतिहास में अहाँ जनै छिए कि 8-8 महीना जे है से संसद चल रही है, वही संसद में दोसर कोनो विधेयक पास नहीं भेलै, एकटा मीटर ब्याज विरुद्ध के विधेयक पास भेलै, हमरा सबके कम बड़का सफलता रहे। अगर हमरा सबके आंदोलन अगर गलत रहते तो वो विधेयक पास नहीं होते संसद से, जरा दोसर विधेयक के पास नहीं हो दल के विपक्ष, हमरा सबके मांग सही रहे, ते द्वारे देश के जितने निर्वाचित पार्टी सब छे जन प्रतिनिधि सब छे वो महान संसद भवन से हमरा सबके विधेयक संघर्ष के मूर्त रूप दल के विधेयक के रूप में आ वो विधेयक जे है आई लागू भेले ए देश में, लेकिन लागू भेला के बावजूदो भ रहल है, तै दुआरे आई पत्रकार सम्मेलन कैल गेल है। मीटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति नेपाल के संयोजक आदरणीय मनोज पासवान जी विचार व्यक्त क चुकला कि हम सब आई 10 महीना से काज कर रहल छी, राति दिन काज कर रहल छी, मुदा हाथ लागल जीरो, तै लक आब
हम सब कुल रूप से आप मीटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति के नेपाल अगाड़ी बढ़ते ते द्वारे आई पत्रकार सम्मेलन भेलिया। हम पत्रकार मित्र लोकन से अनुरोध करब कि अहां सब जे आई हमरा मीटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति नेपाल के जै प्रकार से सहयोग करी तेलिए या मीटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति नेपाल शोषित पीड़ित उत्पीड़ित नेपाली जनता के संस्था छे और जै प्रकार से अहां सब के सहयोग भेटले या तै के लेल हम साधुवाद देव चाहे छी। मीटर ब्याज विरुद्ध के संघर्ष समिति जे छे जे कसम खेले छे बर्दीवास के ओई चौक से ओकरा आई अई मंदिर में पुनः आई हम सब एलिए या ई कहि के लेल ई कसम खा क कहि के लेल एलिए या कि जाधर ई समस्या समाधान नहीं रहते ताधर हम सब ओई में लागल रह। ते द्वारे आई के पत्रकार सम्मेलन में अपने सब के जे विभिन्न पर्सन सब पत्रकार मित्र लोकन के प्रेस नोट आबि गेल छै। हम संयोजक मनोज पासवान जी से ई कहबै कि एक बेर अहाँ प्रेस नोट अहाँ वाचन करू आ ते के बाद ई प्रेस नोट सब पत्रकार मित्र लोकन के दियौन आ तखन जे किछ प्रश्न अबै छै तऽ ऊपर से जवाब लिअ। पहले दो के पहले दो का आए।